हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है UMS स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, किसी भी देश में कैसे विकसित होती है, समय के साथ ये कैसे आगे बढ़ती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं, किसी भी देश में एक नया कोरोना वायरस या किसी भी प्रकार का वायरस आता है, तो अब चूंकि किसी के भी अंदर इस वायरस की एंटीबॉडी विकसित नहीं है, तो जो भी इस वायरस के संपर्क में आएगा वो इससे संक्रमित होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोग इस वायरस के संपर्क में आ चुके हैं, ये सब आप इनको इंसान समझ सकते हो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में ज़्यादा उठते बैठते नहीं है, वो लोग यहाँ पर इससे बच जाते हैं। लेकिन अब वायरस वापस धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि सब लोग धीरे धीरे संक्रमित होते हैं। लेकिन जब दूसरी लहर आती है तो जो लोग बचे हुए थे वो भी अब इससे संक्रमित होने लगते हैं। लेकिन जो पहले संक्रमित हुए थे दोबारा उसमें नहीं होगा क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। अब इसकी आती है तीसरी लहर। तीसरी लहर में चूंकि हो सकता है टीकाकरण शुरू हो जाए, या फिर जो ज़्यादातर लोग पहले संक्रमित हुए हैं उनको ये नहीं होगा क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। तो अब जो वायरस फैलेगा उसको फैलने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो तीन लोग हैं ये संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। अब चूंकि उनके अंदर एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे, और जब वो बीमार नहीं पड़ेंगे तो वायरस आगे नहीं फैलेगा, वायरस को आगे फैलने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये जो अवस्था है, ये जो स्टेज है, इसे हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो आई होप आपको इस स्टेज के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये क्या होती है। इस स्टेज में आने के बाद जब 60-70-80% लोग संक्रमित हो जाते हैं, उस अवस्था में क्या है, वायरस को फैलने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों के शरीर में एंटीबॉडी होती है। इस स्टेज को हर्ड इम्यूनिटी स्टेज बोलते हैं। अब उस समय चूंकि टीकाकरण भी विकसित हो जाता है, उसके बाद शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हो जाता है ज़्यादातर लोगों के शरीर में, तो इस वजह से वायरस को आगे संक्रमित होने का मौका नहीं मिलता है। बस ये जो स्टेज है, आसान भाषा में आप समझ सकते हो, इस स्टेज को हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। यहाँ पर अंत है इस वीडियो का। मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ भी कन्फ्यूज़न है अभी भी तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का जवाब मिलेगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा किसी और नए टॉपिक में साथ में। आप टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।